नीमच जिले के जीवन नगर में 400 मीटर रनिंग दो ट्रैक बनाने की मांग को लेकर एथलेटिक खिलाड़ी एवं युवाओं ने मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जीरन सैनिकों की नगरी है। यहां से लगभग 300 सैनिक से अधिक व्यक्ति भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, अर्धसैनिक बल एवं सभी तरह की सेना में व प्रदेश में पुलिस विभाग में सेवा दे रहे हैं एवं नगर के अन्य युवा भी खेल में रुचि रखते हैं और स्टेट व नेशनल की तैयारी भी कर रहे हैं, परंतु गांव में फिजिकल तैयारी के लिए अभी भी युवा रोड पर दौड़ लगा रहे हैं। गांव में ग्राउंड तो नहीं, परंतु पूर्ण रूप से वह दौड़ एवं एथलेटिक के लिए सुरक्षित नहीं है। एथलेटिक एवं गांव के युवाओं ने ज्ञापन में मांग की है कि गांव के ऊपर मैदान में 400 मीटर का ट्रैक दौड़ने के लिए स्वीकृत कर जल्द निर्माण कराया जाए, ताकि गाँव के युवा भारतीय सेना, मध्य प्रदेश पुलिस, नौसेना सहित अन्य भारतीयों के लिए फिजिकल तैयारी कर सके। हम जीरन गाँव से आए हैं। हमारे गांव में 300 से ज़्यादा सैनिक अभी भारतीय सेना, अर्ध सैनिक, जो भारतीय जितनी भी भारत की सेना है उनमें सेवा दे रहे हैं, पुलिस में भी सेवा दे रहे हैं। और हमारे जीरन गांव में ग्राउंड तो है, परंतु दौड़ने के लिए ट्रैक नहीं है। 400 मीटर ट्रैक बनवाना चाहते हैं। जीरन के सभी युवा की यह कहना है कि 400 मीटर का ट्रैक बने, उसी के लिए हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं माननीय महोदय को कि हमारा 400 मीटर का ट्रैक यहाँ पर जीरन गांव में बनवाया जाए। पूर्व में भी आपने अवगत कराया अधिकारी को? इस पूर्व में अवगत नहीं कराया है, हम पहली बार महोदय को अवगत करा रहे हैं कि हमारे गांव में 400 मीटर का दौड़ने के लिए बच्चों के लिए, जो फिजिकल की तैयारी करते हैं आर्मी, पुलिस, सभी तरह की सेनाओं की, तो फिजिकल की तैयारी के लिए 400 मीटर का ट्रैक के लिए ही हम ज्ञापन देने आए हैं। अभी नए युवाओं ने आवेदन वगैरह भी भरे हैं क्या? नहीं, जो भर्ती, हम नए युवा हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ जी, सभी नए युवा हैं और उसी के हिसाब से ज्ञापन देने, भर्ती की तैयारी के लिए, फिजिकल के लिए ग्राउंड तैयार हो। ग्राउंड तो है हमारे पास जीरन में, परंतु उस पर ट्रैक नहीं है, तो 400 मीटर का ट्रैक बने यही चाहते हैं और यही पूरे जीरन के युवा चाहते हैं। अच्छा, 300 आपने बताया, 300 लोग चयनित हुए हैं आपके गाँव से, अलग अलग देश सेवा कर रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है कि ट्रैक बनने से क्या फर्क पड़ जाएगा? और ज्यादा सेना की फिजिकल की तैयारी करेंगे हमारे गाँव से युवा, और इससे अत्यधिक जितने हैं उससे भी ज़्यादा सेना की तैयारी करेंगे जीरन गांव से, सेना की तैयारी उससे भी अधिक करेंगे और दौड़ के होर्स और ज़्यादा होशो हवास, मतलब ज़्यादा उत्साहित होकर हिस्सा लेंगे सेना की भर्ती रैली में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वचन कुमार पालीवाल। कौन सा संगठन से हैं? संगठन नहीं, मैं सभी युवाओं के साथ हूँ और सभी जीरन के युवाओं को जो फिजिकल की तैयारी करते हैं उनका कहना है कि हमें 400 मीटर का ट्रैक चाहिए जीरन में। ठीक है, थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी।